हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासेस। और एक्सरसाइज 8.2 है हमारे पास, इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया था हमने। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। ये कर्व गिवन है भाई, वाई इज इक्वल्स टू 3x² - 12x प्लस में 6 एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये कह रहा है टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने जो फर्स्ट वीडियो 8.2 का बनाया है उसके अंदर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो हमारे पास होता है dy/dx इज इक्वल्स टू 0। ये तो जब है जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, और पैरेलल टू वाई एक्सिस अगर हमारे पास है तो dx/dy इज इक्वल्स टू क्या होगा, 0 के इक्वल होगा भाई। तो यहाँ से क्या करोगे आप लोग, डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट आप डेरिवेटिव कर दोगे। तो एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ से आ गया dy/dx इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में हमारे पास जब इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये बन गया हमारे पास 6x - 12। क्लियर है भाई? उसके बाद आप लिखोगे बट गिवन क्या है हमारे पास, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, देन dy/dx इज इक्वल्स टू 0। और हमारा जो dy/dx है वो किसके इक्वल आया है, 6x - 12। तो 6x - 12 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा अभी। तो यहाँ से आपके पास बनेगा 6x इज इक्वल्स टू 12, और 6 से डिवाइड कर दोगे तो 2 पे x की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाएगी, हमारे पास है 2 के इक्वल आ जाएगी। पुटिंग दी वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में एक्स की वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो वाई इज इक्वल्स टू बनेगा 3 × 2² बन गया, -12 × 2 + 6 जो कि इक्वल बनेगा किसके भाई, 12 - 24 + 6 हो जाएगा, जो कि आपके पास आ गया -6 के इक्वल। तो रिक्वायर्ड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो हमारे पास बन गए 2 और -6। एक्स की वैल्यू +2 आ गई और वाई की जो वैल्यू है वो हमारे पास किसके इक्वल आ गई, -6 के। ये था फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। बिल्कुल सेम आपके पास इसका सेकंड पार्ट है, और सेकंड पार्ट में ये कह रहा है हमसे फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच टेंजेंट आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, x² + y² - 2x - 3 इज इक्वल्स टू 0 है। तो ये तो कर्व गिवन है आपके पास, पैरेलल टू एक्स एक्सिस कह रहा है। तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस का रिजल्ट तो हम जब यूज करेंगे तब हमारा जो डेरिवेटिव है वो किसके इक्वल, पहले डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे, और डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो हमारे पास यहाँ से क्या बनेगा, जब आप बोथ साइड इसका डेरिवेटिव कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये आ जाएगा क्या भाई, 2x + 2y / dy/dx -2 - 0 इज इक्वल्स टू 0। तो क्या बना यहाँ से हमारे पास, 2x + 2y (first derivative - 2) = 0 बन गया। डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2 से डिवाइड कर दोगे तो x + y (dy/dx) -1 = 0। हमें तो क्या करना है, dy/dx फाइंड करना है भाई। तो y(dy/dx) इज इक्वल्स टू, उधर जाके 1 तो हो गया प्लस का और x बन गया किसका, माइनस का, y मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा, dy/dx इज इक्वल्स टू 1 - x / y बन गया। उसके बाद आप इससे आगे लिखोगे क्या भाई, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, देन dy/dx इज इक्वल्स टू 0। तो dy/dx क्या है हमारे पास, 1 - x / y इज इक्वल्स टू 0, y 0 से मल्टीप्लाई हो गया 0 हो गया, 1 - x इज इक्वल्स टू 0 एंड -x इज इक्वल्स टू -1 एंड x इज इक्वल्स टू 1 आ गया। x की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ गई, 1 के इक्वल आ गई। x की वैल्यू आप पुट कर दो किसके अंदर, जो आपकी कर्व गिवन है उस कर्व में पुट कर दो, y की वैल्यू आ जाएगी। तो कर्व में पुट करोगे तो ध्यान दीजिए क्या बना,
वन प्लस वाई स्क्वेयर माइनस टू माइनस थ्री इज इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से क्या बना भाई हमारे पास, वाई स्क्वेयर माइनस फोर इज इक्वल्स टू जीरो, वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू फोर एंड वाई इज इक्वल्स टू प्लस माइनस टू। तो जो पॉइंट्स आएंगे हमारे पास उनके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, वन टू और वन माइनस टू। क्या क्या बन गए भाई, वन टू और वन माइनस टू, तो यहाँ डबल आ जाएंगे हमारे पास। तो फोर्थ क्वेश्चन था, अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि टेंजेंट अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो डी वाई बाई डी एक्स है वो किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे कह रहा है आपका जो क्वेश्चन नंबर है भाई फिफ्थ क्वेश्चन में भी अपने पास सेम यही कहानी है। एट व्हाट पॉइंट ऑन दी सर्कल द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो आपके पास गिवन है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस टू एक्स माइनस फोर वाई प्लस वन इज इक्वल्स टू जीरो। डेरिवेटिव कर दो भाई, क्या हो गया 2x प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, माइनस का 2 बन गया, माइनस 4 इंटू में y का डेरिवेटिव तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या करोगे, सबसे पहले तो 2 से डिवाइड कर दो बोथ साइड, 2 से डिवाइड कर दोगे तो x प्लस वाई इंटू में डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 माइनस 2 इंटू में डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। डी वाई बाई डी एक्स की टर्म से इनको एक साथ रख लो, बाकी सभी को राइट में भेज दो। तो क्या बना, वाई माइनस टू इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वन माइनस एक्स। तो यहाँ से आ गया हमारा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वन माइनस एक्स अपॉन वाई माइनस में टू, ये डी वाई बाई डी एक्स आ गया। अब क्या कह रहा है फर्स्ट पार्ट में, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, टेंजेंट अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा, और जीरो के इक्वल होगा तो वन माइनस एक्स अपॉन वाई माइनस टू इज इक्वल्स टू जीरो एंड वन माइनस एक्स इज इक्वल्स टू जीरो और एक्स इज इक्वल्स टू वन आ गया। x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, आप x की वैल्यू पुट कर दोगे फर्स्ट के अंदर तो बनेगा 1 प्लस वाई स्क्वेयर माइनस टू माइनस फोर वाई प्लस वन इज इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से क्या बन गया, 1 प्लस वन टू हो गया, माइनस का 2 है भाई कैंसिल हो गया, वाई स्क्वेयर माइनस फोर वाई इज इक्वल्स टू जीरो, और इससे y कॉमन ले लोगे तो y माइनस फोर इज इक्वल्स टू जीरो बन गया। तो यहाँ से क्या बनेगा हमारे पास, आइदर y इज इक्वल्स टू जीरो और y इज इक्वल्स टू फोर। तो आपके पास जो पॉइंट्स आ गए उनके कोऑर्डिनेट क्या बने, 1 0 और 1 4। ये तो तब है जब पैरेलल टू x एक्सिस है, बिल्कुल सेम कहानी होगी जब पैरेलल टू क्या हो, y एक्सिस हो। तो डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल्स टू जीरो, वो था डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, और ये बनेगा क्या, डी एक्स अपॉन में डी वाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो ऐसा करने से अपने पास देखिए इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे हम, और रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या बनेगा भाई, वाई माइनस में टू अपॉन वन माइनस एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से क्या आ गया, वाई इज इक्वल्स टू टू आ गया भाई, y2 आ गया, तो y की वैल्यू 2 पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में, जो करो गिवन है उसी में y की वैल्यू 2 पुट करनी है, तो x स्क्वेयर प्लस में 4 माइनस का 2x माइनस का 8 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, x स्क्वेयर माइनस का 2x बन गया, प्लस का 5 है और माइनस का 8 है तो माइनस का 3 इज इक्वल्स टू 0। इसके फैक्टर्स कर दो भाई, फैक्टर करोगे तो माइनस का 3 बन जाएगा और प्लस का 1 आ जाएगा हमारे पास। क्या मिला यहाँ से, x इज इक्वल्स टू 3 और x इज इक्वल्स टू माइनस 1, x की वैल्यू 3 आ गई और x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 1 आ गई भी हमारे पास।
तो ऐसा करने से आपके पास जो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो आपके पास बनेंगे भाई क्या क्या, एक्स की वैल्यू अगर -1 लेते हो तो वाई की वैल्यू 2 है, नेक्स्ट एक्स की वैल्यू 3 लेते हो तो भी वाई की वैल्यू क्या है 2 है। तो ये फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट से वो मैंने करवा दिए। नेक्स्ट अपने पास आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 6 है, और 6 क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है इस पर ध्यान देंगे हम। सिक्स्थ में कह रहा है फाइंड दी पॉइंट ऑन दी कर्व, कर्व गिवन है भाई वाई इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, ये गिवन कर्व है, इस पर हमें पॉइंट फाइंड करना है। विच द स्लोप ऑफ दी टेंजेंट इज इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट ऑफ दी पॉइंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल्स टू वाई कोऑर्डिनेट, स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कब आएगी, जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे, और इसका डेरिवेटिव करोगे तो आपके पास क्या बनेगा भाई, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 3x2, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल्स टू किसके इक्वल बताया गया है, वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे क्या बनेगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट तो कितना आ गया 3x2 आ गया, अभी वाई कोऑर्डिनेट क्या है x3 है हमारे पास, क्या बना 3x² -x³ इज इक्वल्स टू 0। x² को कॉमन ले लिया मैंने, 3 माइनस में x इज इक्वल्स टू 0, आइदर x² इज इक्वल्स टू 0 और 3 माइनस x इज इक्वल्स टू 0, आइदर x इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू 3। x की वैल्यू या तो 0 होगी या x की वैल्यू क्या होगी भाई हमारे पास 3 के इक्वल हो गए। एक्स की वैल्यू अगर 0 है तो देन वाई इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि 0 का क्यूब करोगे तो 0 ही आएगा भाई, और अगर एक्स की वैल्यू 3 है तो वाई की वैल्यू 3 का क्यूब करोगे तो क्या आ जाएगी 27 आ जाएगी। तो उन पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स है वो हमारे पास क्या क्या आ गए भाई, यहाँ से इनकी हेल्प से तो क्या बन गया 0 0 बन गया, और इधर इन पॉइंट्स की हेल्प से बन गया 327। ये आपका क्वेश्चन नंबर है 6, बिल्कुल इजी है, बस इस कंडीशन को पहचानने की ज़रूरत है वे कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल्स टू वाई कोऑर्डिनेट, स्लोप ऑफ टेंजेंट किसके इक्वल है वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल है। नेक्स्ट आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, 7th क्वेश्चन में भी ये कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, पॉइंट ही फाइंड करवा रहा है, कर्व की जो इक्वेशन गिवन है वो है वाई इज इक्वल्स टू x³ -11x+5 है वे। क्या कह रहा है, एट विच टेंजेंट एज द इक्वेशन, टेंजेंट की इक्वेशन गिवन है भाई हमारे पास, क्या गिवन है, इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है वो गिवन है आपके पास, और वो क्या है वाई इज इक्वल्स टू एक्स माइनस में 11 है। क्लियर है, तो जब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट गिवन है तो क्लियर, आप इस इक्वेशन सेकेंड की एल से स्लोप ऑफ टेंजेंट आप लिख सकते हो, और वो आपको +1 का ध्यान होगा कि कोई भी स्ट्रेट लाइन है उसको हम y इज इक्वल्स टू mx+c की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो x का जो कोफिशियंट होता है वो उस लाइन की स्लोप होती है, क्या होती है उसकी स्लोप। ये ऑलरेडी y इज इक्वल्स टू mx+c की तो फॉर्म में है, तो x का जो कोफिशियंट है वो यहाँ पे क्या बन जाएगी, स्लोप बन जाएगी। तो x का जो कोफिशियंट है वो यहाँ है 1, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल्स टू क्या आ गई 1 के इक्वल आ गई। एक कर्व गिवन है, कर्व की एल से स्लोप ऑफ टेंजेंट कहाँ से आ जाएगी, डी वाई बाई डी एक्स होगा भाई, तो क्या कर दो, डिफ्रेंसिएशन ऑफ ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फर्स्ट जो इक्वेशन हमने डाली इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो क्या बना यहाँ से, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू
थ्री एक्स स्क्वेयर माइनस इलेवन बन गया भाई, बट स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल्स टू वन, ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है, तो देन क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ से, थ्री एक्स स्क्वेयर माइनस इलेवन इज इक्वल्स टू वन, और यहाँ से क्या बना, थ्री एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ट्वेल्व, थ्री से डिवाइड कर दिया फोर पे, एक्स की वैल्यू प्लस माइनस टू आ गई। तो यहाँ एक बार तो आप एक्स की वैल्यू प्लस टू ले लो, और एक बार एक्स की वैल्यू क्या ले लो, माइनस टू ले लो। एक्स की वैल्यू अगर टू लेते हो तो इसमें रख के आप सोल्व कर दो, एक्स की वैल्यू टू लेने से हमारे पास वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, एक्स की वैल्यू टू लेते हैं तो हमारे पास वाई की जो वैल्यू है इसके अंदर वो आपकी क्या बनेगी, टू का क्यूब एट हो गया, और माइनस में हमारे पास यहाँ पे बन गया भाई 22, और प्लस का क्या हो गया 5। y इज़ इक्वल्स टू 13 माइनस में 22, y इज़ इक्वल्स टू किसके इक्वल आ गया, माइनस ए 9 के इक्वल आ गया भाई हमारे पास। तो यहाँ से तो जो पॉइंट बनेगा उसके कोऑर्डिनेट बन गए 2 और ए माइनस 9। अगर आप x की वैल्यू माइनस 2 लेते हो तो माइनस की 2 अगर हम लेते हैं तो हमारे पास ही यहाँ से क्या बनेगा इसके अंदर, तो यहाँ से x की वैल्यू माइनस 2 लेने से y हम अगर फाइंड करते हैं तो माइनस 2 का क्यूब करेंगे तो माइनस का 8 हो गया, प्लस का 22 हो गया, प्लस का 5 हो गया, जो कि y इज इक्वल्स टू 27 माइनस में 8 19 आ जाएगा। पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए माइनस 2 और 19। अब यहाँ से आप देख पाओगे कि बेटे ये तो इसका सोल्यूशन है, इसको रिजेक्ट किया गया है। क्या किया गया इसको रिजेक्ट, उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। आप स्लोप वन लेके, क्या लेके भाई, स्लोप वन लेके आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना, अगर टू और माइनस नाइन लोगे तो एग्जैक्ट ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आएगी जो गिवन है, और माइनस टू और 19 लोगे तो इसके अलावा आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आएगी, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर इसके अलावा है तो यहाँ फिलहाल इसके लिए पॉइंट वैलिड नहीं होगा, इसलिए इसको रिजेक्ट कर दिया गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7 में। नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन नंबर 8। एट जो क्वेश्चन है हमारे पास उसमें कह रहा है फाइंड दी पॉइंट ऑन दी करो, फिर से पॉइंट फाइंड करवा रहा है भाई। वाई इज इक्वल्स टू एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर, वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू दी लाइन ज्वाइनिंग दी पॉइंट्स। क्या कह रहा है, टेंजेंट है वो पैरेलल है किसके भाई, जैसे ये करव है ये टेंजेंट है, और ये कह रहा है कि टेंजेंट है वो किसी लाइन के पैरेलल है, और उस लाइन के जो पासिंग पॉइंट गिवन है ना अपने पास वो है 30 और 41, 30 और 41 है वो उस लाइन के पासिंग पॉइंट है जिसके टेंजेंट है वो क्या गिवन है हमारे पास, ये पैरेलल है भाई। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग इसमें ध्यान दे सकते हो कि जब टू लाइनें पैरेलल होती थी, हमने प्लस वन में स्ट्रेट लाइन में किया था, तो उनकी स्लोप है वो हमारे पास क्या होती है, इक्वल होती है। क्या होती है उनकी स्लोप, इक्वल होती है। तो जो स्लोप इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन की आएगी वहीं स्लोप ऑफ टेंजेंट होगी हमारे पास। तो यहाँ से सबसे पहले तो इसका डेरिवेटिव कर दो, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड कर दो, टू इंटू में एक्स माइनस थ्री बन गया भाई, डेरिवेटिव क्या बन गया, टू इंटू एक्स माइनस में थ्री बन गया। उसके बाद आप फाइंड कर दो स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग दी पॉइंट्स ए, फर्स्ट को मैंने ए लिख दिया 30 एंड सेकंड बी लिख दिया 41 इज इक्वल्स टू, ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन की जो स्लोप हमारे पास बनेगी उसके लिए आप लोग इसमें ध्यान दे सकते हो। क्या होगी भाई, जब टू पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट गिवन हो तो स्लोप फाइंड करने का फॉर्मूला पता है ना हमें, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन होता है। तो यहाँ से देखिए वाई टू माइनस वाई वन वन माइनस ज़ीरो अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन फोर माइनस थ्री इज इक्वल्स टू क्या बन गया, वन अपॉन वन वन के इक्वल आ गया। उसके बाद आप यहाँ पे लिखोगे लाइन ए बी
पैरेलल टू टेंजेंट देन स्लोप ऑफ लाइन ए बी एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट आर सेम। कैसी होंगी भाई ये? सेम होंगी। और सेम होंगी तो यहाँ से क्या लिख सकते हो आप लोग कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वन हो जाएगा। वन के इक्वल होने का मतलब है डी वाई बाई डी एक्स तो आ चुका है, टू इंटू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल्स टू वन, एक्स माइनस थ्री इज इक्वल्स टू वन अपॉन टू एंड एक्स इज इक्वल्स टू वन अपॉन टू प्लस थ्री एंड एक्स इज इक्वल्स टू सिक्स प्लस वन सेवन अपॉन में टू आ गया। एक्स की वैल्यू सेवन अपॉन टू आ चुकी है तो जो गिवन कर्व है उसमें पुट कर दो, वाई इज इक्वल्स टू सेवन अपॉन टू माइनस थ्री का होल स्क्वेयर। तो वाई इज इक्वल्स टू सेवन माइनस सिक्स वन अपॉन टू का स्क्वेयर हो गया जो कि वन अपॉन फोर बन गया। तो उस रिक्वायर्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए सेवन अपॉन में टू और वन अपॉन में फोर। क्या आ गए हमारे पास? सेवन अपॉन में टू और वन अपॉन में फोर बन गया। ये था भाई अपना क्वेश्चन नंबर एट। तो आप देख पा रहे हो कि कंटिन्यू हम लोग जो क्वेश्चन करते जा रहे हैं, हर किसी क्वेश्चन में कह रहे हैं फाइंड दी पॉइंट ऑन दी कर्व, फाइंड दी पॉइंट ऑन दी कर्व। पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ही अभी से हमसे फाइंड करवा रहा है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे, क्वेश्चन नंबर एट तक आप कर लेंगे, इससे आगे हमें नेक्स्ट वीडियो में करेंगे भाई।